टी20 वर्ल्ड कप 2024 से ये पांच भारत के दिग्गज खिलाड़ी हो चुके हैं उस रेस से बाहर, नहीं मिलेगा इन खिलाड़ियों को मौका। जी हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। वैसे तो बीसीसीआई की तरफ से इस बात की तस्वीर साफ कर दी गई है, क्योंकि बीसीसीआई अक्सर 20 खिलाड़ियों का शॉर्ट लिस्ट तैयार करती है और उस शॉर्ट लिस्ट में जो भी खिलाड़ी आते हैं उन्हीं खिलाड़ियों में से फिर 15 खिलाड़ियों को मौका मिलता है। लेकिन क्या हो तब जब आपके प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें आप चाहते हैं वो टी20 में हो लेकिन बीसीसीआई की उस 20 शॉर्ट लिस्ट में ही ना हो, तो क्या होगा? यही हो रहा है फिलहाल इस वक्त। जी हाँ, हम आपको ऐसे पांच ऐसे प्रमुख खिलाड़ी बताएंगे जो कुछ समय पहले टी20 की भारत की टीम की आन बान शान हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल है, बड़े बड़े नाम शामिल है इस पांच खिलाड़ियों में। चलिए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं टीम इंडिया के वो पांच खिलाड़ी जो नहीं पाएंगे मौका टी20 वर्ल्ड कप में। तो जी हाँ, इस साल का टी20 वर्ल्ड कप थोड़ा अलग फॉर्मेट पे खेला जाएगा, इसलिए भी क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो सुपर 8 के तहत खेला गया था, लेकिन इस बार टोटल 20 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट कुल नॉकआउट समेत तक जाएगा, तो तीन स्टेज में खेला जाएगा। सभी टीमों को यानी 20 टीमों को पांच पांच के हिसाब से चार ग्रुपों में बांटा जाएगा। हर ग्रुप की टॉप टू टीमें सुपर 8 में प्रवेश करेगी। इसके बाद सभी 8 टीमों को चार चार के हिसाब से दो ग्रुप में फिर बांट दिया जाएगा। सुपर 8 की जो दो ग्रुप होंगे उसके टॉप टू टीमें सेमीफाइनल में जाएगी। टोटल इस बार 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है डायरेक्ट इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर, हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा अलग था। हम चाह रहे थे कि आपको वो खिलाड़ी बताए जो इस बार टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना रहे हैं। अब कैसे नहीं बना रहे हैं, उस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम संजू सैमसन का आता है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को हाल ही में टीम सेलेक्शंस में मौके नहीं मिले हैं। फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, वनडे फॉर्मेट के लिए उन्हें जरूर चुना गया है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं दी गई है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को आयरलैंड दौरे पर हुए टी20 सीरीज के बाद टीम के लिए कोई इंटरनेशनल टी20 मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला है। अब जब बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर्स उनकी तरफ ज़्यादा कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बायलेटरल सीरीज में जहाँ टीम इंडिया के कहे जा रहे हैं कि प्रमुख खिलाड़ी बाहर है, उस लिहाज में आप अगर आप संजू को मौका नहीं देते हैं तो फिर एक बात होता है कि आप संजू की तरफ रुख ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप में 2024 में संजू ना दिखे तो इसमें कोई हैरान होइएगा मत, क्योंकि तस्वीर पहले से ही साफ हो रही है। धीरे धीरे ऐसा हमारा मानना है कि संजू सैमसन को इसमें मौका नहीं मिलेगा, संजू सैमसन उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम और चौंकाने वाला नाम आपके लिए शायद रहेगा, वो युजवेंद्र चहल का भी है। टीम इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने वेस्टइंडीज दौरे पर हुए टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया के लिए कोई टी20 मुकाबला नहीं खेला है। युजवेंद्र चहल को न तो साउथ अफ्रीका दौरे पर मौका मिला, न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और न ही उस वनडे वर्ल्ड कप में भी। मतलब चहल की ओर अब टीम इंडिया ज्यादा रुख नहीं कर रही है, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ युवा खिलाड़ियों को देख रही है, जिसके चलते भी यह तय माना जा रहा है कि अगर अजीत अगरकर की अगुवाई में चीफ सेलेक्टर्स की वो टीम 2024 में युजवेंद्र चहल की ओर नहीं देख रही है। ऐसा अगर आपको सुनने को मिले तो ज्यादा हैरान होइएगा मत, क्योंकि टीम इंडिया इनसे भी आगे की ओर अब देख रही है। यूजी चहल भी उस लिस्ट में थोड़े पीछे जा रहे हैं। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम अगर हम विराट कोहली का दे दें तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल टीम इंडिया के स्टार दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाए थे, टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कई दिनों और शायद मीडिया में भी ये खबर सामने आई है कि बीसीसीआई की चीफ सेलेक्टर्स और उच्च पद पर बैठे अधिकारी विराट कोहली को टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में मौका नहीं देना चाहते हैं। उसी वजह से तो शायद वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेले ही नहीं है, वनडे वर्ल्ड कप से पहले कोई भी टी20 मुकाबला नहीं खेले, उसके बाद नहीं खेल रहे हैं, और पिछले कुछ मुकाबलों में विराट कोहली टी20 खेल ही नहीं रहे हैं। दरअसल या तो उन्हें कहा जाता है आराम दे दिया गया, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, या फिर कहते हैं विराट ने आराम मांगा है, पता नहीं किस वजह से भी। लेकिन विराट का इस तरह से टी20 ना खेलना ये इंडिकेट करता है कि शायद 2024 में वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, और अगर विराट नहीं होंगे तो फिर विराट के फैंस टी20 वर्ल्ड कप कैसे देखेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन विराट न दिखाई दे तो हैरान होइएगा मत, क्योंकि विराट की ओर बीसीसीआई पिछले कुछ समय से नहीं देख रही है। चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं। तो एक और बड़ा नाम जो हम पाते हैं वो ऋषभ पंत का पाते हैं। दरअसल ऋषभ पंत भी पिछले कुछ समय से फिट नहीं है, और फिट नहीं है तो उनकी जगह पर बहुत से खिलाड़ियों ने अपनी जगह बना ली है। अब ऋषभ पंत के लिए ऐसा नहीं होगा
कि अगर वो फिट हो गए तो टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह बन जाएगी। वैसे भी उनके परफॉर्मेंस पर बाहर करने के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। उसके बाद अब उनकी जगह पर नए खिलाड़ी जैसे रिंकू सिंह हो गए, ईशान किशन हो गए, जितेश शर्मा हो गए विकेटकीपर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब अगर ऋषभ पंत वापसी करते हैं तो फिर पहले उन्हें अपने बल्लेबाजी से प्रभावित करना होगा, पहले अपनी वो गेम दिखानी होगी और उसके बाद टीम इंडिया के वो सिलेक्शंस में आएंगे। डायरेक्ट वर्ल्ड कप में तो आ नहीं पाएंगे, उससे पहले उन्हें बायलेटरल सीरीज खेलनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड कप में अगर आपको ऋषभ पंत ना दिखे तो हैरान होइएगा मत, क्योंकि वो भी उस रेस से बाहर होने की रेस में आगे हैं हमारी नजर में। लेकिन अंतिम नाम जो हम देना चाहेंगे इस लिस्ट में और आपको, वो मोहम्मद शमी का देना चाहेंगे। देखिए, मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से भारत के T20 के गेंदबाज नहीं है, और खासतौर पर उस T20 वर्ल्ड कप को याद कर लीजिए जहां भारत हारा था। उसके बाद शमी को T20 गेंदबाजी के तौर पर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, वनडे वर्ल्ड कप में मौका मिला जहां शमी ने बहुत शानदार किया, लेकिन उसके बाद फिर T20 के जितने भी मुकाबले हुए शमी को नहीं देखा गया। तो अब टीम इंडिया T20 के अंदर युवा गेंदबाजों की ओर देख रही है, नए तेज गेंदबाजों की ओर देख रही है, जिसमें बहुत से खिलाड़ी अच्छा कर भी रहे हैं। तो उस लिहाज से भी मोहम्मद शमी उस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो हमारी नजर में ये वो चार खिलाड़ी, पांच खिलाड़ी जो हम ऐसा सोचते हैं कि वो उस रेस से बाहर है। लेकिन आपके राय में वो एक खिलाड़ी कौन सा है जिन्हें आप नहीं देना चाहते हैं मौका, कमेंट में बताएं।